हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर वन का सेट 18, और ये पेपर हुआ था 9 अगस्त 2017 को आफ्टरनून शिफ्ट में। ये सीजीएल के रियल क्वेश्चंस हैं टीयर वन के, और ये क्वेश्चंस सीजीएल के लिए, आपका एमटीएस के लिए, सीपीओ के लिए और स्टेनोग्राफर एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। दीज आर द रियल क्वेश्चंस। देखिए, द रीज़न प्रिया वॉज लेट टू द मीटिंग इज बिकॉज हर फ्लाइट वॉज डिलेड। ये क्वेश्चन देखने में सही लगता है, लेकिन आप ध्यान से देखिए, रीज़न में हम क्या बताते हैं? रीज़न में हम एक कारण बताते हैं जिस वजह से कोई काम नहीं हो पाया, और बिकॉज से भी हम रीज़न को ही इंडिकेट करते हैं। यानी रीज़न और बिकॉज एक ही पॉइंट को इंडिकेट करते हैं, इसलिए बिकॉज के स्थान पर यहाँ हम लगाएंगे दैट, और बिकॉज है इसमें आपका गलत। बिकॉज के स्थान पर हम लगाएंगे दैट, और इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा आपका बी, द रीज़न दैट इज़ द करेक्ट यूसेज। द रीज़न के बाद हम दैट लगाते हैं, बिकॉज हम नहीं लगाते। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम गुड सैलरी बट ऑल्सो प्रोवाइडेड। इसमें नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आना चाहिए। यहाँ पर नॉट ओनली है तो यहाँ पर इसमें बट ऑल्सो आना चाहिए, ठीक है? तो इसमें भी आपकी गलती बी है। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद हम सेम पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि नॉट ओनली के बाद यदि नाउन आ रहा है तो बट ऑल्सो के बाद भी नाउन ही आएगा। नॉट ओनली के बाद यदि एडजेक्टिव आ रहा है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव आएगा। तो ये भी एक रूल है, लेकिन ये होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। ये है आपका सेंटेंस इन्वर्जन का सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट इन्वर्जन का सेंटेंस है। सब्जेक्ट इन्वर्जन क्या होता है? जब कोई भी सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, जब कोई भी सेंटेंस नेगेटिव वर्ड जैसे नॉट या नेवर से स्टार्ट होता है, तो उसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब को इन्वर्ट कर देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं। यानी पहले हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन को किस तरीके से ट्विस्ट किया जा सकता है। यहाँ से यदि आप डिड हटा देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पर यदि आप ऑफर्ड कर देंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है? कई तरीके से इस सेंटेंस को ट्विस्ट किया जा सकता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप समझ लें अच्छे तरीके से। इन कॉन्सेप्ट्स पर ट्विस्ट करके क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है? नॉट ओनली एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी इसमें, और डिड पहले आएगा। डिड के बाद हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए डिड के बाद यहाँ पर लगा है फर्स्ट फॉर्म। यदि इसमें आप ऑफर्ड कर देंगे या डिड को हटा देंगे तो ये सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत। तो बी इसमें आपका सही आंसर है। फिलहाल आपके क्वेश्चन देखते हैं। हिज फादर हिम अप इन ए कंस्ट्रक्शन बिजनेस। उसके फादर ने उसको कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लगा दिया या एस्टेब्लिश कर दिया। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम? इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे सेट हिम अप। सेट हिम अप, सेट हिम अप के दो मीनिंग होते हैं। एक इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी बिजनेस में एस्टेब्लिश कर देना, उसको स्थापित कर देना वहां पर, ठीक है? और एक सेट समवन अप का मतलब होता है किसी की हेल्थ का रिस्टोर होना, वापस उसका सही हो जाना, उसको भी हम बोलते हैं सेट समवन अप। तो इस वीडियो क्लास को रोककर आप यहाँ पर ये पूरा एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। सिनोनिम्स भी यहाँ पर लिखे हैं, जैसे बिल्डअप होगा, इन्वाइगोरेट होगा, एनर्जाइज होगा, फोर्टिफाई होगा, रिहेबिलिटेट होगा, सेट समवन अप। आफ्टर माई ऑपरेशन द डॉक्टर रिकमेंडेड अ क्रूज टू सेट मी अप अगेन। मतलब मेरे ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया कि मैं क्रूज पर जाऊं, समुद्री यात्रा पर जाऊं, ताकि मैं अपनी बीमारी से रिकवर कर सकूं, ठीक है? तो सेटअप का मतलब ये भी होता है, और सेटअप का एक मतलब होता है किसी व्यक्ति को किसी बिजनेस में लगाना, इस्टेब्लिश करना। कीप अप का मतलब होता है मेंटेन करना या सस्टेन करना। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कीप इट अप, मतलब इस चीज़ को मेंटेन रखिए, इस चीज़ को सस्टेन रखिए। आगे देखते हैं। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हिज अचीवमेंट। मेरे को उसके लिए रिस्पेक्ट है, उसने जो अचीवमेंट किए हैं उसके लिए मुझे रिस्पेक्ट है। तो रिस्पेक्ट यहाँ पर क्या है? रिस्पेक्ट यहाँ पर एक नाउन है। किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसको हम नाउन बोलते हैं। तो नाउन को हम किस चीज़ से मॉडिफाई करते हैं? नाउन को हम मॉडिफाई करते हैं एडजेक्टिव से। नाउन की विशेषता हम बताते हैं एडजेक्टिव के थ्रू। जैसे मैन है, तो मैन की विशेषता मैं एडजेक्टिव के थ्रू बताऊंगा, अ गुड मैन, अ बैड मैन, अ इंटेलिजेंट मैन, अ टॉल मैन, ठीक है? तो नाउन को हम क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव से। तो यहाँ पर आपको एक एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव चाहिए जो रिस्पेक्ट के साथ नेचुरली जा सके। एक
देखिए, एक होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है वर्ड कॉम्बिनेशन, और वर्ड कॉम्बिनेशन का जो जो स्किल है वो आता है रीडिंग से। रीडिंग के थ्रू आपको पता पड़ता है कि किस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड नेचुरली जाता है। लगाने को आप यहां पर कोई सा भी वर्ड लगा सकते हैं, आप यूनिक भी लगा सकते हैं, स्ट्रांग भी लगा सकते हैं, लेकिन बात हो रही है एप्रोप्रिएट वर्ड की, बात हो रही है सही वर्ड की, ठीक है। तो सही रिस्पेक्ट के साथ जो सही होगा, जो सही वर्ड कॉम्बिनेशन होगा, वो होगा आपका प्रोफाउंड, क्योंकि प्रोफाउंड का मतलब होता है डीप। तो आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर इज अचीवमेंट। एबंडेंट का मतलब होता है पर्याप्त, स्ट्रांग का मतलब होता है मजबूत, और यूनिक का मतलब होता है स्पेशल। तो यहां पर आप देख सकते हैं एबंडेंट का सिनोनिम क्या होगा, प्लेंटीफुल और कॉपियस होगा। एंटोनिम होगा इसका स्कैर्स और स्पेर्स, और प्रोफाउंड का अर्थ होता है डीप। तो इन सारे वर्ड्स को अच्छी तरीके से याद करें आप। एबंडेंट के लिए हम प्लेंटीफुल बोल सकते हैं और कॉपियस बोल सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉपियस। स्कैर्स मतलब यहां पर जगह की या किसी भी चीज की कमी है, स्कैर्स। जैसे स्कैर्सिटी एक वर्ड होता है, स्कैर्सिटी मतलब कमी, ठीक है। स्पार्स भी इसको हम बोलते हैं, और प्रोफाउंड का अर्थ होता है डीप, ठीक है। तो ये सारे वर्ड मीनिंग्स हैं। अब यहां पर आपको करना है सिनोनिम्स के क्वेश्चन, सिमिलर वर्ड। तो बोस्ट का मतलब क्या होता है, बोस्ट का मतलब होता है शेखी बघारना, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर इक्विवेलेंट जो वर्ड है वो है प्राइड, ठीक है। रिलाय मतलब निर्भर होना, चेंज मतलब बदलना, अवॉइड मतलब इग्नोर करना, टालना। तो बोस्ट का सही सिनोनिम क्या होगा, यहां पर सही सिनोनिम होगा प्राइड। और शेखी बघारने को या शेखी करने को हम बोलते हैं ब्रैग, और स्वैगर भी इसको हम बोलते हैं। ब्रैगिंग का मतलब शेखी बघारना, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना, उसको हम बोलते हैं ब्रैगिंग। तो बोस्ट और ब्रैगिंग एक ही वर्ड है, बोस्टिंग और ब्रैगिंग एक ही वर्ड है, इसको हम स्वैगर भी बोलते हैं। और डेप्रिकेट और बिलिटिल, किसी को नीचा दिखाना, डेप्रिकेट और बिलिटिल इसके एंटोनिम होंगे। हेस्ट, यहां पर इसका सिनोनिम बताना है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, मतलब जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। हेस्ट मेक्स वेस्ट यानी जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, ये कहावत है। तो हेस्ट का मतलब होता है जल्दबाजी करना, और जल्दबाजी के लिए वर्ड क्या है, हरी। आई वॉज इन ए हरी, मैं जल्दबाजी में था, मैं जल्दी में था। तो यहां पर इसका आंसर होगा सी। साइट का मतलब दृश्य होता है, एक्सपेक्ट का मतलब किसी चीज की उम्मीद करना, बर्डन मतलब बोझ। तो हेस्ट का सही आंसर यहां पर होगा हरी, ठीक है। हेस्ट के सिनोनिम्स क्या होंगे, हरी होगा, स्पीड होगा। एंटोनिम क्या होगा, स्लोनेस होगा, डिले होगा, और एक वर्ड और है प्रोकेस्टिनेट। प्रोकेस्टिनेट का अर्थ भी डिले होता है। एंटोनिम के कुछ और वर्ड हैं यहां पर, रिफल्जेंट। रिफल्जेंट का क्या अर्थ है, रिफल्जेंट का मतलब जो काफी शाइनिंग है, जिसमें काफी चमक है, ब्राइटनेस है, उसको हम बोलते हैं रिफल्जेंट। और जिसमें चमक नहीं है, जो डल है, वो उसको हम बोलते हैं डार्क। तो इसलिए डार्क यहां पर रिफल्जेंट का क्या होगा, एंटोनिम होगा। तो रिफल्जेंट का मतलब होता है शाइनिंग वेरी ब्राइटली, और इसके सिनोनिम होंगे ग्लोइंग ब्राइट, एंटोनिम होंगे ब्लैकेंड या डार्क। स्केप्टिक, स्केप्टिकल भी बोलते हैं, स्केप्टिक मतलब डाउटफुल या डाउट। तो स्पेक्ट, स्केप्टिक होता है डाउट, डाउट करने वाला व्यक्ति, और बिलीवर होता है विश्वास करने वाला व्यक्ति। तो स्केप्टिक का एंटोनिम क्या होगा, बिलीवर, ठीक है। इरोनियस मतलब जो गलत है, नर्वस मतलब जो पैनिक में आ गया, जो परेशान है, जो घबरा रहा है, उसको हम बोलते हैं नर्वस। और निहिलिस्ट क्या होता है, निहिलिस्ट, देखिए यहां पर मैंने सारे डेफिनेशंस दिए हैं। इरोनियस मतलब रॉन्ग या इनकरेक्ट, रॉन्ग या इनकरेक्ट। निहिलिस्ट होता है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लाइफ इज मीनिंगलेस एंड रिजेक्ट्स ऑल रिलीजियस एंड मोरल प्रिंसिपल। निहिलिस्ट हम एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो निराशावादी है, जो मानता है सारी चीजें बेकार हैं, सारी दुनिया बेकार है, मोह माया है, किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति निहिलिस्ट होता है, इसको हम सिनिक भी बोलते हैं, सिनिक, ठीक है। इसका एंटोनिम होगा ऑप्टिमिस्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्केप्टिकल का सिनोनिम क्या होगा, डाउटफुल होगा। स्केप्टिकल का सिनोनिम क्या होगा, डाउटफुल या डुबियस होगा, और एंटोनिम होगा बिलीवर। और कॉन्फिडेंट भी इसका एंटोनिम हो सकता है, कॉन्फिडेंट, क्योंकि जो कॉन्फिडेंट होता है वो डाउटफुल नहीं होता।
आगे देखते हैं इडियम और फ्रेजेस का एक सेक्शन आया है हरक्यूलियन टास्क। ये वर्ड भी ये काफी बार रिपीट हुआ है एसएससी एग्जाम्स में। हरक्यूलियन टास्क का मतलब होता है बहुत डिफिकल्ट टास्क, बहुत मुश्किल काम, उसको हम बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा डी, वेरी डिफिकल्ट टास्क। हरक्यूलियन टास्क अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं ऑन टेंटर हुक्स। यदि आप टेंटर हुक्स पर हैं तो आप सस्पेंस में है, और सस्पेंस कैसा है, जिसमें आपको चिंता है, जिसमें आप किसी चीज को एंटिसिपेट कर रहे हैं। जैसे किसी चीज का रिजल्ट आता है, आपके एग्जाम्स का रिजल्ट आता है या एसएससी का रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने से पहले आपकी जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं ऑन टेंटर हुक्स। इन एंग्जस सस्पेंस, मतलब सस्पेंस तो है लेकिन चिंता चिंताजनक सस्पेंस है, ठीक है। ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है इन एंग्जस सस्पेंस। और फ्लैटरी का क्या मतलब, फ्लैटरी का मतलब किसी व्यक्ति की चापलूसी करना, जिसको हम बोलते हैं सिकोफेंसी। सिकोफेंसी भी इसको हम बोलते हैं फ्लैटरी। इसका सिनोनिम क्या होगा, एड्यूलेशन इसका सिनोनिम होगा, ठीक है। क्रिटिसाइज इसका एंटोनिम होगा। आगे हम देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ क्वेश्चन, और एसएससी प्री एग्जाम में टीयर वन में सेम इसी तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ऊपर डायरेक्शंस दिए रहेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर नीचे क्वेश्चन होगा, चार ऑप्शन में इसके आंसर इसके दिए रहेंगे। नेहा वुड बी लुक्ड ब्यूटीफुल इन इंडियन अटायर। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि नेहा इंडियन अटायर यानी भारतीय कपड़ों में खूबसूरत लगेगी। तो एक सिचुएशन को हम इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन ये सिचुएशन रियल नहीं है, ये अनरियल सिचुएशन है। नेहा खूबसूरत लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती ब्यूटीफुल अटायर में या इंडियन अटायर में। तो यहाँ पर चूंकि हम इमेजिनेशन का यूज़ कर रहे हैं या अनरियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम बोलेंगे, यहाँ हम यूज़ करेंगे वुड को, और वुड के बाद क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आती है, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपका सी विल बी द करेक्ट आंसर हेयर, नेहा वुड लुक ब्यूटीफुल इन इंडियन अटायर। इस तरीके से सी यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। वुड इज यूज फॉर अनरियल और इमेजिनरी सिचुएशंस, ठीक है। क्वेश्चन 12 देखते हैं, पीपल हैव बीन लॉन्ग नोन हाउ इम्पोर्टेंट द ट्री आर टू देम। मतलब लोगों ने लंबे समय से ये जाना है कि ट्री उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें हम बीन का प्रयोग नो के साथ हम नहीं करते, नो को हम कंटिन्यूस टेंस में नहीं कर प्रयोग करते। तो इसमें हम बोलेंगे पीपल हैव लॉन्ग नोन। बीन का प्रयोग हम पैसिव वॉइस में करते हैं, तो पैसिव वॉइस में ये वर्ड यूज नहीं होता, नो जो है वो पैसिव वॉइस में यूज नहीं होता। तो यहां पर सी आपका सही आंसर होगा, पीपल हैव लॉन्ग नोन हाउ इंपॉर्टेंट द ट्रीज आर टू देम, ठीक है, सी यहां पर आपका सही आंसर होगा। नो इज ए स्टैटिक वर्ब एंड नॉट यूज इन आईएनजी फॉर्म। देखिए नो का मतलब क्या होता है, नो का मतलब होता है जानना किसी व्यक्ति को। तो यदि आप किसी व्यक्ति को जानते हैं यानी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर ही जानते हैं। सपोज अजय एक फ्रेंड है और उसका फ्रेंड है राम, और वो राम को जानता है, तो वो ऐसे थोड़ी बोलेगा कि मैं उसको केवल 10 बजे ही जानता हूँ या मैं केवल उसको 11 बजे ही जानता हूँ। जानते हो मतलब जानते हो, ये एक स्टैटिक वर्ब है, इसीलिए नो में हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करते। आई एम नोइंग या आई हैव बीन नोइंग ऐसे आप नहीं बोल सकते, आई हैव बीन नोइंग गलत है, आई हैव नोन आप बोल सकते हैं। तो यहां पर दो सेंटेंस मैंने दिए हैं, एक गलत है और एक सही है। आई हैव बीन नोइंग हम नहीं बोल सकते क्योंकि नोइंग एक स्टैटिक वर्ब है, इसमें हम आईएनजी वर्ब नहीं लगा सकते, क्योंकि आईएनजी का मतलब होगा कि काम चल रहा है, उसको जानने का काम चल रहा है, ऐसा मानना गलत होगा, क्योंकि उसको जानने का काम चल रहा है ये पूरी तरीके से लॉजिकल है। यदि आप उसको जानते हैं तो उसको जानते हैं, उसका काम नहीं चलता है, ठीक है, इसलिए इसमें हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते हैं। और आई हैव नोन हिम सिंस 2006, ये सेंटेंस सही है। इसमें यहां पर ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एन एसोसिएट इन क्राइम, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है और उसके साथ कोई व्यक्ति उसका साथ देता है, तो उसके साथी को हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन है। एन एसोसिएट इन क्राइम, एसोसिएट मतलब उसका साथी, तो इसको हम बोलते हैं एकम्प्लिस। एकम्प्लिस यहां पर इसका सही आंसर होगा, एकम्प्लिस। कैलस होता है इनडिफरेंट या इनसेंसिटिव, ठीक है, जो हार्ड है, जिसको दूसरे की फीलिंग्स की चिंता नहीं है,
उसको हम बोलते हैं इनसेंसिटिव या हार्ड या कैलस। आइटिनरेंट मतलब जो ट्रेवलिंग करता रहता है, घूमता रहता है, उसको हम बोलते हैं आइटिनरेंट। फिलिस्तीन एक ऐसा ऐसा व्यक्ति होता है जिसको आर्ट या कल्चर की ज़्यादा ज़्यादा फिक्र नहीं है, या ज़्यादा चिंता नहीं है, ज़्यादा उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं देता। ठीक है, तो फिलिस्तीन, यहाँ पर सारे मैंने वर्ड दिए हैं। एकम्प्लिस का सिनोनिम क्या होगा? एक्सेसरी या कॉन्फिडरेट। ठीक है, और इसका एंटोनिम होगा एनिमी या अपोजर। कैलस का सिनोनिम होगा इनसेंसिटिव और हार्टलेस। अनकेयरिंग भी हो सकता है। एंटोनिम होगा इसका काइंड या कंपैशनेट। आइटिनरेंट का सिनोनिम होगा ट्रेवलर या वॉन्डरिंग। ठीक है, और जो ट्रेवल नहीं कर रहा है, जो घूम नहीं रहा है, वो कैसा है? वो है सेटल्ड। तो सेटल्ड जो होगा वो आइटिनरेंट का एंटोनिम होगा। फिलिस्तीन अ पर्सन हु इज हॉस्टाइल और इंडिफरेंट टू कल्चर एंड द आर्ट। फिलिस्तीन का सिनोनिम होगा लो ब्रो, और बर्जियोस भी हो सकता है इसका। एंटोनिम होगा इसका हाई ब्रो। तो ये यहाँ पर मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। इसको रोक के, इसको वीडियो क्लास को स्टॉप करके आप सारे वर्ड्स आसानी से इसमें पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। यहाँ पर हम रियल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, और सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एसएससी के रियल एग्जाम में। मैन बिहेविंग मोर लाइक ए वुमेन देन एज ए मैन, क्या मतलब है इसका? एक ऐसा व्यक्ति जो एक औरत की तरह, एक लेडी की तरह बिहेव करता है, एक पुरुष की तरह नहीं। ठीक है, उसकी आदतें, उसके करेक्टरिस्टिक, उसके हाव भाव, उसके जेस्चर्स एक महिला की तरह होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एफिमिनेट। एफिमिनेट, एफिमिनेट को आप याद कैसे रखेंगे? देखिए, फीमेल, फीमेल में क्या होता है? एफ ई, और एफिमिनेट में भी क्या है? एफ ई। तो ऐसे इसको आप याद रख सकते हैं। बाइपेड क्या होता है? कोई ऐसा जानवर जो दो पैरों से चलता है, दो पैरों को यूज करता है, उसको हम बोलते हैं बाइपेड। ग्रीगेरियस मतलब जो ग्रुप में या कंपनी में रहना पसंद करता है, मिलनसार होता है, सोशल होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रीगेरियस। इन एलिनेबल, जिसको हम अलग नहीं कर सकते। तो ये चारों ही वर्ड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप यहाँ पर इन चारों वर्ड्स के मीनिंग आप आराम से इस वीडियो क्लास को रोक के इसको पढ़ सकते हैं। फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड एक्सटेसी का मतलब क्या होता है? एक्सटेसी का मतलब होता है परम आनंद, परम सुख, एक्सटेसी। प्रोफिशिएंट मतलब कार्य कुशल। सेक्रीफाइस मतलब त्याग, और टेम्परेरी मतलब अस्थाई। PROFICIENT, इसमें आई आता है प्रोफिशिएंट में। बी इसका सही आंसर है, बाकी की स्पेलिंग्स इसमें सही हैं। ठीक है, फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड। ग्रामर की स्पेलिंग इसमें गलत है, क्योंकि ग्रामर में ए आता है, बाकी स्पेलिंग सही हैं। यहां पर एक पैराजंबल दिया गया है, तो पैराजंबल एक पैराग्राफ होता है, और पैराग्राफ को हम नॉर्मली स्टार्ट करते हैं नाउन से। ठीक है, पहले नाउन आएगा, फिर उसको रिप्लेस करने के लिए एक प्रोनाउन आएगा। इसमें लॉजिक आपका चेक होता है, और लॉजिक कैसे चेक होता है देखिए मैं बताता हूं आपको। यहां पर लिखा है वाटर प्लेज अ वर्सेटाइल रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की फंक्शनिंग में वाटर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहां फिर उसके बाद दिया है वाटर साइकिल। तो पहले वाटर आएगा या वाटर साइकिल आएगा? पहले वाटर आएगा। पहले हम वाटर को मेंशन करेंगे, उसके बाद वाटर की जो साइकिल है उसको मेंशन करेंगे। ठीक है, पहले हम जनरल सेंटेंस को लेंगे, उसके बाद उस जनरल सेंटेंस से रिलेटेड स्पेसिफिक सेंटेंस को लेंगे। ठीक है, हमेशा यह ध्यान रखिए, पहले हम राम के बारे में बात करेंगे, उसके बाद राम के जो पिक्यूलियर फीचर हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम जनरल सेंटेंस को लेंगे, उसके बाद हम पर्टिकुलर सेंटेंस को लेंगे। तो यहां पर पहले आएगा आर, फिर आएगा क्यू। ठीक है, वाटर प्लेज अ वर्सेटाइल रोल इन द फंक्शन ऑफ द बायोस्फीयर। द वाटर साइकिल हैज टू डिस्टिंक्ट ब्रांचेज, द एटमोस्फियर ब्रांच एंड द टेरिस्ट्रियल ब्रांच। सपोज आपने ये सेंटेंस बोला, द वॉटर साइकिल हैज टू डिस्टिंक्ट ब्रांचेज, द एटमोस्फियर ब्रांच एंड द टेरिस्ट्रियल ब्रांच। अब आप किस ब्रांच के बारे में बोलेंगे, एटमोस्फियर ब्रांच या टेरिस्ट्रियल ब्रांच? आप निश्चित रूप से बोलेंगे एटमोस्फेरिक ब्रांच के बारे में। तो इसलिए एटमोस्फियर वाला सेंटेंस पहले आएगा और टेरिस्ट्रियल वाला सेंटेंस बाद में आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा RQSP, RQSP, यानी सेकेंड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, एक ये क्वेश्चन है, इसको भी मैं लॉजिक से करूंगा।
तो देखिए, हाउ एवर से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, द वर्क यहां से भी स्टार्ट नहीं होगा, यस से स्टार्ट नहीं होगा, इन दिस कंपेयर से, दिस में प्रोनाउन है तो यहां से स्टार्ट नहीं होगा, यस से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि ये फ्रेज है, फ्रेज से पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होता है, दिस मतलब प्रोनाउन है, प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता है, इसमें हाउ एवर लगा है, हाउ एवर से स्टार्ट नहीं होता है कोई भी पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ स्टार्ट हो सकता है यहां से, द वर्क ऑफ ए अर्ली रेनिसेंस एंड द पोइट्री ऑफ शेक्सपियर वाइब्रेट विद द कंपैशन फॉर लाइव एक्सपीरियंस इन डेंजर ऑफ डाइंग फ्रॉम एक्सपोजर एंड निगलेक्ट। काफी टिपिकल सेंटेंस है, यहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके बाद ठीक है, इसमें एक देखिए कॉमन पॉइंट आया है, इसमें एक वर्ड आया है कंपैशन, और इस सेंटेंस में एक वर्ड आया है कंपैशन, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन रेफरेंस पॉइंट। कॉमन रेफरेंस पॉइंट का मतलब है कि ये सेंट इस सेंटेंस के साथ एक मैंडेटरी पेयर बना सकता है, क्योंकि इसमें सेम चीज के बारे में बात की गई है, ये जरूरी नहीं है आप इन सेंटेंसेस का मतलब समझें, ठीक है, तो एक और ये हो जाएगा दो, यानी क्यू एस स्टार्टिंग सेंटेंस होगा, क्यू एस, अब देखिए क्यू एस जिसमें स्टार्टिंग में क्यू एस है वो केवल एक ही ऑप्शन है, तो आपको आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्यू एस का केवल एक ही ऑप्शन है, यदि दो होते क्यू एस आर पी और क्यू एस पी आर तब आप आगे देखते, लेकिन क्यू एस यहां पर पहले ही दिया हुआ है, इसलिए आप डायरेक्ट इसका आंसर आप लगा सकते हैं, कॉमन रेफरेंस पॉइंट इसमें मिल चुका है। सुनीता हैज रिटन अ स्टोरी विच फैसिनेट्स एवरीवन, ये काफी कंफ्यूजिंग सेंटेंस है, देखिए इस सेंटेंस का आंसर कुछ बुक्स में ए दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होगा, क्योंकि यहां पर देखिए स्टोरी हैज बीन रिटेन बाय सुनीता विच फैसिनेट्स एवरीवन। अब फैसिनेट यानी आकर्षित कौन करता है, स्टोरी या सुनीता? सुनीता आकर्षित नहीं करती है, उसकी स्टोरी आकर्षित करती है। आ स्टोरी हैज बीन रिटेन बाय सुनीता विच फैसिनेट्स एवरीवन, इस सेंटेंस का मतलब तो ये हुआ कि सुनीता फैसिनेट करती है, क्योंकि विच क्या है, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है, उसको जोड़ता है, तो यहां पर फैसिनेट करने का काम सुनीता नहीं कर रही है, ये ध्यान से समझिए, और यहां पर देखिए एवरी वन इज फैसिनेटेड बाय द स्टोरी विच हैज बीन रिटन बाय सुनीता, तो स्टोरी को किसने लिखा है, सुनीता ने, विच हैज बीन रिटन बाय सुनीता, तो यहां पर विच और स्टोरी का जो कनेक्शन है ये सही है, ये ग्रामेटिकली सही है, और दोनों ही पार्ट को इसमें पैसिव में चेंज किया गया है, तो काफी सारी बुक्स में इसका आंसर ए बताया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, राजेश ऑर्डर्ड हिज ड्राइवर टू डू एज ही वॉज टोल्ड, राजेश ने अपने ड्राइवर को ऑर्डर किया कि वो वैसा ही करे जैसा उसको बोला गया है, तो देखिए ऑर्डर और रिक्वेस्ट को हम डायरेक्ट स्पीच में नॉर्मली यूज नहीं करते, डायरेक्ट स्पीच में हम से और टेल को यूज करते हैं, जैसे यहां पर देखिए राजेश सेड टू हिज ड्राइवर डू एज यू आर टोल्ड, देखिए यहां पर क्या लिखा है, एज ही वॉज टोल्ड, ये पास्ट में है, तो इसका प्रेजेंट इक्विवेलेंट क्या होगा, डू एज यू आर टोल्ड, और सैड हम बोलेंगे, हम यहां पर ऑर्डर नहीं बोलेंगे, ये काफी क्लोज है एक्चुअली, ए और सी इसमें काफी क्लोज है, लेकिन नॉर्मली हम ऑर्डर और रिक्वेस्ट को डायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं करते, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी, राजेश सेड टू हिज ड्राइवर डू एज यू आर टोल्ड, वैसा ही करो जैसा आपको बोला जा रहा है, वहां पर एज यू आर टोल्ड का पास्ट हो जाएगा एज ही वॉज टोल्ड, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा सा इसको घुमा दिया गया है, ट्विस्ट कर दिया गया है, ये है क्लोज टेस्ट, मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ, मैनेजमेंट किस चीज का सेट है, इंस्ट्रक्शंस रिसोर्सेस प्रोसेसेस और प्रपोजल्स, एक्चुअली मैनेजमेंट में हम प्रोसेसेस को पढ़ते हैं, हम सिस्टम्स को पढ़ते हैं, फ्रेमवर्क्स को पढ़ते हैं हम, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस किस में दिए रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं मैनुअल में, जैसे आप टीवी लाए हैं, सपोज एक टीवी लाते हैं और एक टीवी का मैनुअल आपको मिलता है, तो उस मैनुअल में इंस्ट्रक्शंस दिए रहते हैं कि टीवी को ऐसे चलाना है, ऐसे बंद करना है, ठीक है, तो मैनुअल जो होता है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, मैनेजमेंट जो होता है वो सेट ऑफ फ्रेमवर्क होता है या प्रोसेसेस होता है, उसमें हम प्रोसेस की बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर काम है तो इस काम का प्रोसेस क्या होगा, इस काम का जो गोल होगा उसको हम कैसे अचीव करेंगे, जैसे कोई बिजनेस है तो उसमें प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कॉस्ट
कौन उस प्रोडक्ट को बेचेगा, क्या उसका प्रॉफिट होगा, इन सारी चीज़ों के प्रोसेस की स्टडी हम मैनेजमेंट में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही वर्ड होगा वो होगा प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए सेट ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन कीप अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, दैट कैन कीप अ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ पीपल एंड द टेक्नोलॉजी रनिंग। प्रोसेस की वजह से क्या होता है, प्रोसेस की वजह से पीपल और टेक्नोलॉजी जो है उसकी जो फंक्शनिंग होती है वो स्मूथ चलती है। सारा जब सिस्टम पूरा बना हुआ है, सारा प्रोसेस बना हुआ है, सारे एम्प्लॉय को इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है, इस दिन छुट्टी होगी, इस दिन छुट्टी नहीं होगी, जब सारी चीज़ें पहले से डिफाइंड हैं, सारी चीज़ों का प्रोसेस पहले बना हुआ है, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे स्मूथ करेगा, ऑर्गेनाइजेशन जो रन होगा वो स्मूथली रन होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ऑफ पीपल एंड टेक्नोलॉजी रनिंग स्मूथली, ठीक है, केवल सिंपल लॉजिक लगाना है। द मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड प्लानिंग, बजटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रॉब्लम। ये क्या चीज है, ये कौन कौन से एस्पेक्ट हैं, ये मैनेजमेंट के किस तरीके के एस्पेक्ट हैं, ये मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूड प्लानिंग, बजटिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इस तरीके से इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर आएगा। ये डिफिकल्ट एस्पेक्ट नहीं है, ये डेंजरस एस्पेक्ट नहीं है, ये टेरिबल एस्पेक्ट नहीं है, दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन इन द फर्स्ट प्लेस और अडेप्ट्स देम टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। मतलब लोगों को और ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से अलाइन किया जाता है मैनेजमेंट में कि इट अडेप्ट देम टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, के वो बदलती हुई जो सिचुएशंस हैं उसमें अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से ढाल सकता है। विट विच अडेप्ट देम टू सिग्निफिकेंटली चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, जो महत्वपूर्ण रूप से सिचुएशन चेंज होती रहती हैं उसमें वो अपने आप को ढाल सके। अब देखिए यहाँ पर यदि आप बोलते हैं विच अडेप्ट देम टू नॉर्मली, से कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। विच अडेप्ट देम टू रन, नहीं, यहाँ पर एक्चुअली एडवर्ब ही चाहिए और ये दो वर्ड ही इसमें केवल आ सकते हैं, ये दोनों वर्ड, लेकिन नॉर्मली नहीं आएगा क्योंकि हम मैनेजमेंट प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं और मैनेजमेंट प्रोसेसेस आपको सिग्निफिकेंटली चेंजिंग सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग ढालना सिखाता है। तो डी इसमें सही आंसर होगा। यहाँ पर देखते हैं लीडरशिप डिफाइंस व्हाट द फ्यूचर शुड लुक लाइक, अलाइंस पीपल विद दैट। देखिए जब हम फ्यूचर में किसी चीज को देखते हैं या फ्यूचर की कल्पना करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा ऐसा हो सकता है, तो उस वर्ल्ड को हम क्या कहते हैं, उस वर्ल्ड को हम बोलते हैं विजन। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी विजन, क्योंकि यहां पर फ्यूचर की बात हो रही है। लीडरशिप क्या, लीडर क्या करता है, फ्यूचर को देख लेता है। लीडरशिप डिफाइंस व्हाट द फ्यूचर शुड लुक लाइक, लीडर डिफाइन करता है कि फ्यूचर कैसा रहेगा और वो एक विजनरी पर्सन होता है, तो इसलिए यहां पर विजन जो है वो सही आंसर आपका होगा। तो इस तरीके से ये था सेट 18 और इसमें 25 रियल क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन इन 25 क्वेश्चन को मैंने डिटेल में आपको बताया है। जैसे सिनोनिम्स जो हैं उनके मैंने चारों मीनिंग्स को आपको डिटेल में बताया है, एंटोनिम जो हैं उनके चारों मीनिंग्स को मैंने डिटेल में बताया है, तो इन सेट्स के थ्रू काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा आपको और सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एसएससी के रियल एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो इन वीडियो क्लासेस को 2 या 3 बार आप अच्छी तरीके से देखें और नोट्स बनाएं और नोट्स को आप रिवाइज करें, तब आपकी एक अच्छी सॉलिड प्रिपरेशन एसएससी एग्जाम के लिए हो पाएगी। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।